प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं रमकी मुझे तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व। मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा। चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी, मैं आपकी बहन हूँ। गाइस प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, यार ये थोड़ा सीरियस मैटर है। यस राखी जी, ये प्रिंस मावी जो है मुझे मेल आया है उनका, आप देख सकते हैं ये क्या मेल है, आप पढ़ के सुना दीजिए। पढ़ के सुना? हाँ, क्या लिखा है वो थोड़ा, अगर अगर एक लाइन कुछ, अगर पॉइंटर्स अगर आप पढ़। लिटरली धमकी दी है क्या लिख के, एलबी ग्रुप मतलब कौन सा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का, लो बजट, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ ये एलबी ग्रुप मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आप देख सकते हैं। कैमरा में दिखा दीजिए बस, हाँ यहाँ पे कृष्णा भाई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डीब्रा ग्रुप जी, राखी जी। तो कह रहे हैं कि अपने प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं, रमकी मुझे धमकी दे रहे हैं कि, सॉरी मैं भी एकदम वो ऊपर से, थोड़ा अगर आप पॉइंटर्स बता सकते हो। राखी हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे, वो कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले, अब की बार उसने सिक्योरिटी में है। एक है मैनेज, व्हाट इज दिस, मैं ही मारेगी अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे ऐसे। लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए, वरना फिर तू क्या, तू भाई तैयार, वरना तू भी भाई तैयार रहना। गुज्जर प्रिंस बिश्नोई ग्रुप से, आप लोग देख सकते हैं। राखी जी मेरा सवाल रहेगा इस विषय पे, और कितना आप सीरियस ले रहे हो, पुलिस को आपने कहा कि, अरे पुलिस को और भी तो काम है, बट भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो, थोड़ा दूर। मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई दो आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे, कौन थे वो लोग, वो इंटरव्यू में बातें करते मारते गोली मार दी, गोली मार रहे क्या, आती क्या, आती क्या, ए दूर हटो, चलो दूर हटो, गोली वोली मार रहे हो क्या तुम लोग, तो क्या मार रहे हो, वीडियो बोलते आँख मार रहे भाई, पता नहीं ना, मालूम नहीं ना, यहाँ पे मीडिया के आज तुम लोग भी सेफ नहीं हो भाई। राखी जी ये काफी एक सीरियस विषय है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है। मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, फिर रोते हैं, फिर बैठ देते। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, मेरा खुदा मेरा अल्लाह मेरा जो रोज़ा है, मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ऐसा कभी मेरे भाई के साथ, सलमान भाई के साथ ना हो, क्योंकि उनकी उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मेरी माँ पे, हमारे ख़ानदान पे बहुत कर्ज है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आके बोलती हूँ कि विष्णु भाई, बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई भाई, बिश्नोई समाज, इसीलिए मैं आपके सामने आके उठक बैठक करी थी। मैं बोली थी भाई अगर मेरी माफ़ी से चल जाता है तो आप लोग माफ़ी ले लीजिए, हम लोग कोई ईगो वाले कोई घमंड वाले लोग नहीं है कि ये लोग कौन है करके, नहीं, हम झुक के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की इज्जत और किसी की जान का सवाल है, यू नो, इसलिए यहाँ पे कोई घमंड की बात नहीं है। लोग इंडस्ट्री से निकलते नहीं हैं, यहाँ पे सलमान भाई को फिल्मों में लोग यूज़ कर लेते हैं या उनके साथ फिल्में बनाते
और लेकिन पीछे आके कोई बोलता नहीं है कि ये गलत बात है भाई, हर कोई डरपोक और सबकी पुंगी बजी है, मेरी पुंगी कभी बजती नहीं है, मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। तो मैं यू नो सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी, मैं आपकी बहन हूँ, गुस्सा ना करे, गुस्सा शांत करे और ये मारने मारने की धमकी ना दे। जिस खुदा ने आपको भी जन्म दिया है, सलमान भाई को भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो जान लेने वाला तो खुदा है, आप धमकी ना दें। क्या मैं जी पुलिस की हेल्प लोगे इस विषय पे? इस तरह अरे पुलिस की क्या हेल्प, सीधा धमकी? अरे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 6 घंटे बिठा देते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग बाहर रहते हो, राखी सावंत ब्रेकिंग न्यूज लगाते हो, राखी सावंत पुलिस स्टेशन में बैठी है, तुम लोग जब तक मैं कंप्लेंट लिखा के बाहर आ जाती हूँ तब तक तो तुम पता नहीं जेल भी पहुंचा देते हो, फांसी भी लगवा देते हो। हाँ पुलिस स्टेशन में जाके भी फायदा इसलिए नहीं कि वो हाथ पकड़ के 8 घंटे बिठा देते हैं, धीरे 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 पूछते हैं। ये पुलिस वालों को कोई तो डोज वाला इंजेक्शन लगाओ ताकि फटाफट कंप्लेंट ले, फटाफट हमको भेज।